गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ठोस विलयन मिश्रण, ठोस विलयन निकाय। या इससे पहले हमने पढ़ा था ठोस द्रव, मतलब द्विघटकीय निकायों को हमने क्या कहा था, ठोस द्रव निकाय कहा था। आज हम पढ़ेंगे ठोस विलयन निकाय के बारे में। यहाँ पे हम द्रव की जगह क्या लेंगे, विलयन का यूज करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, द्विघटकीय निकायों को एज ठोस द्रव निकाय। आज हम थोड़ा सा नया स्टार्ट करेंगे, ठोस विलयन निकाय है तो ये भी द्विघटकीय निकाय ही है, ठीक है। तो ठोस विलयन निकाय अपना नया हेडिंग है इसी के अंदर ही, ठोस विलयन निकाय। ठोस विलयन निकायों के गलनांक पर, ठोस विलयन निकायों के गलनांक पर ठोस के संगठन में परिवर्तन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। ठोस विलयन निकायों के गलनांक पर ठोस के संगठन में परिवर्तन के आधार पर इन निकायों को दो भागों में बांटा गया है। ठोस विलयन निकायों को दो भागों में बांटा गया है किसके आधार पर, इनके गलनांक पर। जो ठोस के संगठन में परिवर्तन होगा, इन ठोस विलयन निकायों के गलनांक पर ठोस के संगठन में जो परिवर्तन होगा उसके आधार पर इन ठोस विलयन निकायों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस विलयन निकाय। पहला कौन सा है, सर्वांगसम गलनांक युक्त, सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस विलयन निकाय। दूसरा है इसका प्रकार, दूसरा इसका है असर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस विलयन निकाय। दूसरा कौन सा है, असर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस विलयन निकाय, सर्वांगसम असर्वांगसम गलनांक युक्त। असर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस विलयन निकाय। असर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस विलयन निकाय। अब सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, सर्वांगसम गलनांक युक्त। सर्वांगसम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट। असर्वांगसम क्या हो जाएगा, इनकॉन्ग्रुएंट, और सर्वांगसम क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं, सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस विलयन निकाय, ठीक है। पहली हेडिंग क्या है अपनी, सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक के मिश्रण। ठोस यौगिक के मिश्रण, पहला अपना हेडिंग है सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक के मिश्रण। अब इधर देखिए, ये क्या है, द्विघटकीय निकाय है जो किसका, कौन से प्रावस्था नियम का पालन करता है, संघनित प्रावस्था नियम का पालन करता है। और संघनित प्रावस्था नियम क्या है, क्या है, ये है तो संघनित निकाय ही है, ठीक है। संघनित निकाय है तो संघनित निकाय संघनित प्रावस्था नियम का पालन करेगा, ठीक है। और बात तो हम द्विघटकीय निकाय की कर रहे हैं, ये सारे द्विघटकीय निकायों के एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला अपन ने एक कौन सा पढ़ा था, सीसे और रजत का पढ़ा था, जो क्या था, ठोस द्रव निकाय था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ठोस विलयन निकाय। ठोस विलयन निकाय में पहला है इसको, इसके भी दो टाइप है, एक तो सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक के मिश्रण, दूसरा है असर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक के मिश्रण। अब पहले हमने स्टार्ट कर दिया है सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक के मिश्रण। इसमें क्या होता है, ये भी, ये क्या है, संघनित निकाय ही है, अतः ये क्या करेगा, संघनित प्रावस्था नियम का पालन करता है। तो संघनित प्रावस्था नियम क्या है बताइए, संघनित प्रावस्था नियम क्या है, संघनित प्रावस्था नियम क्या है, ठीक है। तो संघनित
क्रमिक प्रावस्था नियम क्या होता है? F is equal to C minus P plus 1. क्या होता है? F is equal to C minus P plus 1. संघनित प्रावस्था नियम क्या होता है? F is equal to C minus P plus 1. ठीक है, अब हम सब जानते हैं किसी भी निकाय की न्यूनतम एकल प्रावस्था संभव है. ठीक है, द्विघटक निकाय की या द्विघटक निकाय के लिए एक न्यूनतम प्रावस्था संभव है. तो न्यूनतम न्यूनतम कितनी प्रावस्था संभव है? एक न्यूनतम प्रावस्था संभव है. तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा. ठीक है, और C बराबर तो दो है ही, क्योंकि अपन द्विघटक के निकायों का अध्ययन कर रहे हैं. ठीक है, तो मान रख देंगे क्या आ जाएगा अपने पास? 2 minus 1 plus 1. C क्या है? 2 है. माइनस क्या है? 1 plus 1. 1 से 1 कट. F is equal to क्या आया? 2 आया. F is equal to क्या आया? 2 आया. यानी कि हम ताप और संघटन दोनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं, है ना? ताप और संघटन. F is equal to 2 का मतलब क्या है? F बराबर 2 आया है. इसका मतलब क्या है? हम दोनों ही स्वतंत्र चरों में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना? ताप और संघटन दोनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं. और हम आलेख किसके बीच में बनाएंगे? स्थिर दाब पर ताप और संघटन के बीच में बनाएंगे, है ना? संघनित प्रावस्था नियम के या संघनित निकायों का अध्ययन किसके बीच में किया जाता है? ताप और संघटन के बीच में किया जाता है. कब? स्थिर दाब पर. दाब क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए. ठीक है, तो ये था इसके लिए कितना आया? F is equal to 2 आता है. यानी कि हम ताप और संघटन दोनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं Zn और Mg का, जिंक और मैग्नीशियम का. जिंक और मैग्नीशियम का देखो, जिंक और मैग्नीशियम जो है तो सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक के मिश्रण में क्या होगा? हमने एग्जाम्पल लिया किसका? Zn व Mg का, जिंक और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है. तो देखिए, जिंक और मैग्नीशियम क्या करता है? ठोस अवस्था में तो ये क्या होते हैं? दोनों ही अमिश्रणीय होते हैं. ठीक है, एक पत्थर को लिया और दूसरे पत्थर को लिया, क्या वो मिश्रणीय होंगे? दो पत्थर का भी मिश्रणीय हो सकते हैं, ठोस का भी मिश्रण नहीं हो सकते, है ना? तो ये भी ठोस है, वो भी ठोस है. ठीक है, तो जिंक और मैग्नीशियम ठोस अवस्था में क्या होते हैं? पूर्ण रूप से अमिश्रणीय होते हैं. लेकिन द्रव अवस्था में क्या होते हैं? पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं. द्रव में अमिश्रणीय, सॉरी, ठोस में अमिश्रणीय, द्रव में क्या होंगे? पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं. तो जिंक और मैग्नीशियम जो है वो ठोस अवस्था में पूर्ण रूप से अमिश्रणीय और द्रव अवस्था में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? मिश्रणीय होते हैं. अब द्रव अवस्था में ये जिंक और मैग्नीशियम क्या करेंगे? द्रव अवस्था में बात कर रही हूं. ठीक है, द्रव अवस्था में तो क्या है? एक दूसरे के साथ मिश्रणीय है. ठीक है, तो अब मिश्रणीय है तो ये दोनों क्रिया कर लेंगे आपस में. तो द्रव अवस्था में जिंक और मैग्नीशियम रासायनिक क्रिया द्वारा एक यौगिक बनाते हैं. कौन सा यौगिक है? MgZn2 क्या बनाते हैं? MgZn2 एक यौगिक बनाते हैं. अब ये जो यौगिक बन गया है द्रव अवस्था में, ये जो यौगिक बन गया है कौन सा? MgZn2 ये जो यौगिक बना है, ये ठोस अवस्था में भी क्या होता है? स्थायी होता है. अभी तो क्या है? द्रव अवस्था में है. द्रव जिंक और मैग्नीशियम है. ठीक है, तो द्रव अवस्था में जिंक और मैग्नीशियम आपस में क्रिया करके एक ये वाला यौगिक बनाता है. अभी तो ये भी द्रव अवस्था में. ठीक है, अब इसको अगर हम जमा देते हैं, इस यौगिक को, अभी तो द्रव अवस्था में इसको जमा दिया, ठंडा कर दिया, तो ठोस में बदल जाएगा. और ठोस में भी ये यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में भी स्थायी होता है. यानी कि इसका ठोस, इस यौगिक का ठोस अवस्था में संगठन परिवर्तित नहीं होता है. इस यौगिक का ठोस अवस्था में संगठन परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में भी स्थायी है और क्या होगा? ठोस अवस्था में भी स्थायी रहता है. यानी कि इसका संगठन परिवर्तित नहीं होता है. इसे ही क्या बोलते हैं? सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक कहते हैं. यानी कि इसके ठोस के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है. ठोस के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है. इसे ही क्या बोलते हैं? सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक के मिश्रण या सर्वांगसम गलनांक युक्त ठोस यौगिक कहते हैं.
अब सर्वांग सम गलनांक खुद क्या है, सर्वांग सम गलनांक क्या है वो देखते हैं हम। सर्वांग सम गलनांक वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर ठोस को द्रव में परिवर्तित करने पर, वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर ठोस को किसमें परिवर्तित करना है, द्रव के अंदर परिवर्तित करने पर उसके संगठन में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाता है, वो ताप कहलाता है, सर्वांग सम गलनांक कहलाता है। वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर ठोस के संगठन सॉरी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने पर उसके संगठन में परिवर्तन नहीं होता है उस ताप को हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम गलनांक कहेंगे। क्या हुआ सर्वांग सम गलनांक, वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर ठोस यौगिक द्रव में परिवर्तित होने पर संगठन में परिवर्तन नहीं दर्शाता है उसे सर्वांग सम गलनांक कहते हैं, उस ताप को सर्वांग सम गलनांक कहते हैं। ठीक है, वह निश्चित स्थिर ताप, वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर ठोस यौगिक द्रव में परिवर्तित होने पर, द्रव में परिवर्तित होने पर संगठन में परिवर्तन नहीं दर्शाता है। कौन, ठोस यौगिक जो है वो अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो वो ठोस यौगिक अपने संगठन में परिवर्तन नहीं दर्शाता है, संगठन में परिवर्तन नहीं दर्शाता, संगठन में परिवर्तन का मतलब समझते हो, यानी कि जितनी मात्रा में वो ठोस में था जैसे Zn और Mg, Zn का मैंने ले लिया 2% लिया, इसका मैंने 5% ले लिया, ठीक है। अब ये ठोस में इतनी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जैसे ही द्रव में परिवर्तित होगा तो द्रव में भी ये 2% मतलब Zn का 2% होगा और Mg का ये कितना होगा, 5% होगा, यानी कि इनकी मात्रा में कोई चेंज नहीं होता। तो ये क्या हुआ, अगर ये ठोस यौगिक द्रव में परिवर्तित होता है तो उस ठोस यौगिक के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। वह निश्चित स्थिर ताप जिस पर ठोस यौगिक द्रव में परिवर्तित होने पर संगठन में परिवर्तन नहीं दर्शाता है। संगठन का मतलब क्या है, हम कितनी मात्रा काम में ले रहे हैं उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है सर्वांग सम गलनांक, इस निश्चित स्थिर ताप को वो क्या बोलते हैं, सर्वांग सम गलनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे तो इस गलनांक पर दो प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी, एक तो Zn और Mg का ठोस मिश्रण और दूसरा कौन सा होगा, Zn और Mg का क्या हो जाएगा, द्रव मिश्रण, ठीक है। तो किसमें चेंज हो रहा है, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो उसके संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। तो Mg क्या यौगिक बना रहे थे, ये Zn का होल ट्वाइस, ये किसके है, ठोस अवस्था के अंदर है और जब ये द्रव अवस्था में चेंज होता है तो इसके संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। Mg Zn का होल ट्वाइस कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और वो हो निश्चित स्थिर ताप क्या है इन दोनों के लिए, 590 डिग्री सेंटीग्रेड। वह निश्चित स्थिर ताप क्या है इनके लिए, 590 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये क्या कहलाता है, सर्वांग सम गलनांक कहलाता है, 590 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये ठोस यौगिक इस द्रव यौगिक में परिवर्तित होने पर अपने संगठन में परिवर्तन नहीं दर्शाता है और इस ताप पर, इस निश्चित स्थिर ताप पर ये ठोस यौगिक द्रव में परिवर्तित होने पर अपने संगठन में परिवर्तन नहीं दर्शाता है, अतः इस ताप को क्या कहेंगे, सर्वांग सम गलनांक कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना सर्वांग सम गलनांक। अब हम इसी के ही निकाय का अध्ययन करेंगे, नई हेडिंग लगा लेंगे, Zn Mg निकाय का प्रावस्था अध्ययन, Zn Mg निकाय का प्रावस्था अध्ययन। तो Zn और Mg का हम आलेख बनाएंगे,
फिर इसी को ही हम ले लेंगे, ठीक है। ठोस विलयन निकाय का पहला निकाय है ZnMg निकाय का प्रावस्था अध्ययन। ZN ये हटा ही देते हैं, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। ZN MG निकाय का प्रावस्था अध्ययन। ZnMg निकाय का क्या करेंगे हम, प्रावस्था अध्ययन करेंगे। यहाँ पे फ्लैश पड़ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Zn लिखा हुआ है, ठीक रे, ये दिखाई नहीं दे रहा ना आपको, यहाँ पे Zn लिखा हुआ है, फ्लैश की वजह से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्या है, Zn और Mg तो दिख ही रहा है आपको, तो Zn उसके बीच में डैश है, फिर Mg, ZnMg निकाय का प्रावस्था अध्ययन, ठीक है। तो इसका हम पहले सबसे पहले आलेख बना लेते हैं, आलेख किस टाइप का है वो देखते हैं। तो ये निकाय भी उसी टाइप का है, एक साइड हम Zn को 100% ले लेंगे, Mg 0%, यहां पे Zn 0, Mg 100%, ठीक है, सेम उस टाइप का ही होगा। Zn इधर Zn 100% होगा, Mg क्या होगा 0%, या फिर हम 100% की जगह देखो संगठन को किससे दर्शाते हैं, x से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, x से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर x बराबर 1 ले तो ये Mg के लिए क्या होगा, x बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है Zn 0% और Mg कितना लिया है, Mg लिया है 100%, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, Zn के लिए x बराबर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और Mg के लिए यहाँ पे x बराबर 0 है तो Mg के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1। या तो ये लिखेंगे हम इस टाइप से, या फिर ये लिखेंगे, इस टाइप का हम अध्ययन कर सकते हैं। अपन ने जब फर्स्ट ईयर में कौन से आदर्श विलयन के वाष्पदाब संगठन वक्र पढ़ा था, आदर्श विलयन का वास्तविक संगठन वक्र पड़ा था, उसमें हमने इस टाइप का ही वक्र बनाया था। यहाँ पे x1 बराबर 0 लिया था, x1 बराबर 1 लिया था, x2 बराबर 0 था, वहां पर उस पॉइंट पर क्या था, इस एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या था, x1 क्या था 0 था और x2 क्या हो गया था 1 हो गया था। सेम उसी टाइप का यहाँ पे लेना है, संगठन में परिवर्तन इस टाइप से ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने 100% Zn लिया है तो यहाँ पे Mg क्या होगा 0%, वहां पे Zn 0 हो जाएगा, क्यों क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे Zn क्या है 100% है, अब मैंने यहाँ पे Mg है 0%, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ बढ़ने पर, उस साइड बढ़ने पर मैं इस Zn के अंदर धीरे धीरे Mg मिलाऊंगी, धीरे धीरे Mg मिलाती जाऊंगी, Zn के अंदर Mg मिलाया, Mg मिलाया, Mg मिलाया, इस पॉइंट पर आते ही क्या हो जाएगा, अब Zn 0 हो गया, अब सारा का सारा उसमें क्या है Mg, मैंने क्या किया 100% Zn के अंदर Mg मिलाया, ठीक है। तो वहां जाते जाते Zn कम हो जाएगा और Mg क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो ये इस टाइप के संगठन को दर्शाता है, ठीक है। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, देखिए और बना किस किस के बीच में रहे हैं, ताप, और ये क्या है संगठन है अपना, इधर ताप का,
ग्राफ किस टाइप का आता है? अपना इस टाइप का आता है। उसमें भी सबसे ऊपर क्या था? द्रव मिश्रण था। इधर क्या था? किसके अंदर? शीशे और चांदी के अंदर ऊपर क्या था? द्रव मिश्रण था। किसका? शीशे और चांदी का। अब इधर यहाँ पे किसका होगा? जिंक और ZnMg का द्रव मिश्रण होगा। ठीक है, ZN और Mg का क्या होगा? द्रव मिश्रण था। फिर इस साइड क्या था? ठोस Ag और प्लस द्रव मिश्रण था। उस साइड था ठोस Pb प्लस द्रव मिश्रण था। तो यहाँ पे क्या होगा? ठोस जिंक प्लस द्रव मिश्रण, ठोस Mg प्लस द्रव मिश्रण, सेम उसके जैसा ही है। ध्यान दिया नहीं दिया? उसमें क्या था? इस साइड ठोस Ag था प्लस द्रव मिश्रण था। इधर क्या था? ठोस Pb प्लस द्रव मिश्रण था। वहां पे तो दो पार्ट ही थे, है ना, यहाँ पे तीन पार्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस साइड तो क्या होगा? वही सेम ठोस Zn प्लस द्रव मिश्रण, इधर ठोस Mg प्लस द्रव मिश्रण। ठीक है, अब बीच में क्या होगा? जो अपन ने यौगिक बनाया था ना Mg और Zn का, Mg Zn का होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, Mg Zn का जो यौगिक बनाया था ना, Mg Zn का होल ट्वाइस, वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में है और उसके साथ में क्या होगा? द्रव मिश्रण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? Zn ठोस Zn प्लस द्रव मिश्रण, इधर होगा ठोस Zn प्लस द्रव मिश्रण, इधर क्या है? ठोस Mg प्लस द्रव मिश्रण, बीच में क्या है? Mg Zn का होल ट्वाइस सॉलिड है प्लस क्या है? द्रव मिश्रण। ठीक है, और ऊपर इन दोनों का द्रव मिश्रण है। ठीक है, ऊपर क्या है? इन दोनों का ही द्रव मिश्रण है। Mg Zn लो या Zn Mg ले लो। ठीक है, यहाँ पे Mg Zn ले लेते हैं। Mg Zn का लिक्विड मिक्सचर है। अब ये जो अपने उसमें भी क्या थी, ये एक लाइन थी, डी डी डैश लाइन थी, उसके नीचे क्या थी? सारी ठोस अवस्थाएं थी। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा? ठोस अवस्थाएं ही होगी। इस लाइन के नीचे और इस लाइन, दोनों के नीचे क्या होगी? ठोस अवस्था ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ठोस Zn प्लस क्या होगा? यहाँ पे द्रव मिश्रण था ना, इधर देखो ऊपर क्या है? ठोस Zn प्लस द्रव मिश्रण। तो अब नीचे क्या होगा? होगी तो ठोस अवस्था ही, तो ठोस Zn तो है ही और द्रव मिश्रण क्या हो जाएगा? अब ठोस मिश्रण हो जाएगा। नीचे सारी क्या होगी? ठोस अवस्था ही होगी। तो ठोस तो Zn है ही प्लस क्या होगा? द्रव मिश्रण की जगह ठोस मिश्रण आ जाएगा इस साइड। उधर क्या होगा? ठोस Mg तो है ही प्लस क्या हो जाएगा? ठोस मिश्रण। तो नीचे सारी क्या होगी? ठोस अवस्था ही होगी। ठीक है, तो इधर होगा ठोस Zn प्लस ठोस मिश्रण। ठोस एक अपन को याद हो जाए ना, तो बाकी हम लगभग सारे कर सकते हैं इसके अंदर, बस एक याद होना चाहिए, ठोस Zn प्लस ठोस मिश्रण। और इस साइड क्या होगा? पहले एक बीच में डॉट डॉट लाइन बना दो। ठीक है, इस साइड है ठोस Mg प्लस ठोस मिश्रण। ठीक है, तो ये ग्राफ किस टाइप का होगा? इस टाइप का होगा। बीच में ये एक ये लाइन बना देना और ये पॉइंट क्या कहलाता है? इस साइड होगा सारे ठोस Zn और ठोस मिश्रण, इस साइड होगा ठोस Mg प्लस ठोस मिश्रण। अब हम पॉइंट्स लगा लेते हैं, ये A, ये वाला B। ठीक है, ये A और वो लगा लिया हमने B। अब बीच में C, यहां पे D। ठीक है, ये A B C D। अब ये वाला E, ये वाला E, ये वाला F और ये हो जाएगा F डैश, F डैश। ठीक है, वहां पे क्या था? D D डैश था ना, यहाँ पे F F डैश। ठीक है, तो ये है अपने पूरा संगठन, पूरा मतलब Zn Mg निकाय का आलेख इस तरह से होगा। अब यहाँ पे हम इस प्रावस्था आलेख का क्या करते हैं? अध्ययन करेंगे। ये पूरा ग्राफ हो गया,
ग्राफ हो गया, यहाँ पे इसका ताप है, ये जो ए बिंदु है ना, इसका ताप है 420 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका ताप है 900 या 650 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बी बिंदु का ताप है 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ए बिंदु का गलनांक है यानी कि इस ठोस जेडन का गलनांक है 420 और Mg का गलनांक कितना है 650 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था इसका प्रावस्था आलेख था। अब इस प्रावस्था आलेख का अध्ययन किन किन बिंदुओं के रूप में करते हैं, तीन बिंदुओं के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। प्रावस्था आलेख का अध्ययन हम किन बिंदुओं के रूप में करेंगे, तीन, वक्र, क्षेत्रफल, त्रिक बिंदु, ठीक है, वक्र, क्षेत्रफल और त्रिक बिंदु। अब हम देख लेते हैं एक बार वक्र कौन कौन से हैं, ठीक है। वक्र, इसके अंदर चार वक्र हैं, एसी, बीई, ठीक है, दो तो ये हो गए, सीडी और डीई। ए सी ये वाला वक्र, बीई दो, सीडी और डीई, चार वक्र है इसके अंदर। क्षेत्रफल की बात करें हम तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कितने हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल है इसके अंदर चार, कितने है? चार, चार क्षेत्रफल है इसके अंदर। एक तो हो जाएगा ए सी एफ, क्या हो गया ए सी एफ, दूसरा हो जाएगा सी डी ई, दूसरा कौन सा हो गया सी डी ई, तीसरा बी ई एफ डैश, बी ई एफ डेस, और लास्ट में कौन सा जाएगा, ये पूरा, कौन सा, ये पूरा ए सी डी ई बी, कौन सा, ये वाला ए सी डी ई बी पूरा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, चार हो गए, चार चार के पांच हुए, चार हुए पांच, ए सी सी डी वक्र, क्या मैं क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ, ए सी एफ सी डी ई B E F डैश और ये चौथा पूरा A C D E B, ठीक है। तो चार क्षेत्रफल हो गए इसके अंदर। फिर हम त्रिक बिंदु की बात करते हैं, त्रिक बिंदु यहाँ पे दो है, कितने, दो, एक तो C त्रिक बिंदु है और एक E त्रिक बिंदु है, C और E क्या है, त्रिक बिंदु है। अब यहाँ पे एक और मतलब ब्रैकेट में एक इसको अलग से लिखना है, यहाँ पे ये D बिंदु जो है वो त्रिक बिंदु तो नहीं है पर इसको हम गलनांक बिंदु कहेंगे, क्या कहेंगे, ये गलनांक, सर्वांगसम गलनांक कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, सर्वांगसम गलनांक कहलाएगा। तो इसको भी हम ब्रैकेट में, जैसे एक उसमें नहीं किया था जल निकाय में 3+1 किया था, है ना, वैसे ही यहाँ पे दो तो त्रिक बिंदु है तो दो तो इसको अलग से लिखना है और एक को अलग से लिखना है। ये एक कौन सा होगा, ये डी बिंदु होगा जो सर्वांगसम गलनांक कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, त्रिक बिंदु दो है, एक तो सी और ये E और एक फिर D को अलग से लिखना, एक ये क्या है, सर्वांगसम गलनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे वक्र को, तो वो हम क्या करेंगे, कल पूरे आलेख का अध्ययन करेंगे वक्र से लेके पूरा तक, क्षेत्रफल त्रिक बिंदु तक।